कल हमारे ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साहब कह के गए हैं कि देखिए आपकी पार्टी के पास 2024 में तो कोई स्कोप नहीं है, आप तैयारी जो कर रहे हैं वो 2029 के हिसाब से करिए। मनु जी, चलिए जो आपका पहला सवाल है मैं पहले शीघ्रता से उसका उत्तर दे देता हूं। मुख्यमंत्री जी 8 साल से मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं के कार्यकाल के अंदर एलनाबाद के अंदर उपचुनाव हुआ, उससे पहले बड़ौदा में उपचुनाव हुआ, उससे पहले सोनीपत के अंदर मेयर का चुनाव हुआ, उसके पश्चात निकाय के चुनाव भी हुए और उनके जो परिणाम है वो आपको भी पता है, प्रदेश की जनता को भी पता है और हमें भी पता है। तो ये अगर कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर तो क्या ही कोई एतराज कर सकता है, वो उनका अधिकार भी है और उनको रखना भी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र के अंदर जो फैसला होगा जब ईवीएम खुलेंगी और जब वोट पड़ेंगे वो प्रदेश की जनता करेगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत है नहीं क्योंकि कोई अभी स्कोप नहीं है 2024 में। मनु जी, मुझे लगता है कि जो ये शब्द कह रहे हैं ना, ये वो अपने वर्करों को खुश करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो सामने डिबेट में बैठे तो उनको पता है कि उन्हीं के कार्यकाल के अंदर वो 2 उपचुनाव हार चुके, मेयर का चुनाव हार चुके, निकाय चुनाव के अंदर उनका वोट परसेंटेज कितना गिरा, ये सारी बातें आपके सामने, इन बातों को मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। आज का जो मुद्दा है मैं उस मुद्दे के ऊपर आ जाता हूं। आप देखिए मनु जी, अभी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि देश में सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनको खत्म हो जाना चाहिए, ये खत्म हो जाएंगी और केवल भाजपा बचेगी। तो इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी मंशा और इस पार्टी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि क्षेत्रीय पार्टियां या कोई भी पार्टियां उनको ये खत्म कर देना चाहते हैं। दूसरी बात, अभी इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी जब आए थे हरियाणा के दौरे के ऊपर आए थे, तो जो जजपा के नेता हैं, जजपा के जितने भी नेता हैं, ये अपने चौधरी साहब निशान सिंह जी के पास या अपने प्रदेश अध्यक्ष के पास या चौटाला साहब के पास की बजाय ये क्लास लेने के लिए नड्डा साहब के पास गए थे और मुझे लगता है वहां से इन्होंने ये गुरु मंत्र ले लिया कि किस प्रकार एक एक करके अपना जो विलय है वो भाजपा के अंदर कर देना है। आज तो महज एक वानगी है, भाजपा ऑपरेशन लोटस के नाम से पहले तो चुनी हुई सरकारों को गिराने का खेल रचती रही, कहीं कामयाब हुई कहीं कामयाब नहीं हुई। ऑपरेशन लोटस का दायरा अब भाजपा का इतना बढ़ गया है कि अब उन्होंने विपक्षियों को नहीं सहयोगियों को भी खाना शुरू कर दिया है। और ये बात मैं आंकड़ों के साथ आपको बताता हूं मनु जी, एक मिनट बड़े धैर्य के साथ सुनना। ये महेश चौहान जी आज जो अपने 250, 300, 200 कार्यकर्ताओं के साथ गए हैं, अभी हमारे JJP के प्रवक्ता साथी बोल रहे थे कि इनको 25 अगस्त को पार्टी से निकाल दिया गया था। 25 अगस्त को पार्टी से निकाल दिया गया था तो आप मुझे 26 अगस्त का कोई भी मीडिया का व्याख्यान, मीडिया की बाइट, या अगर आपको भी पता हो, अभी 5 मिनट पहले इनकी मीटिंग खत्म हुई है और उसके पश्चात आके इन्होंने बोलना शुरू किया कि पार्टी से निकाल दिया था। चलिए, इनके पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ इस विषय में है भी नहीं, लेकिन आप ये देखिए जजपा जो है धीरे धीरे, मनु जी मैं बिल्कुल एक मिनट के अंदर बात को खत्म कर दूंगा, हाँ, जजपा जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और ये खत्म होती कार्यकर्ता के स्तर पर नहीं, कार्यकर्ताओं को तो भाजपा जी नहीं रही है। इनके जो नेता है, सबसे पहले आप दादा गौतम जी से शुरू कर लेते हैं, दादा गौतम के जो बयान आए सारे प्रदेश को पता है, मैं दोहराना नहीं चाहता। उसके बाद इनके गोला से विधायक राम निवास जी हैं जिन्होंने 2022 जुलाई के अंदर ये बयान दिया था कि मैं 2.5 साल से अपने हल्के की सड़कें और बनवाने के लिए उप मुख्यमंत्री जी के चक्कर काट रहा हूं लेकिन नहीं बने, इसीलिए उन्होंने कार्यक्रम के अंदर आने का विरोध किया था। सुनिए, एक छोटे एग्जाम्पल हो रहे हैं, राम निवास जी हैं, उन्होंने तो बल्कि जो जिला जो हुआ चेयरमैन बने थे उनको जजपा ज्वाइन नहीं कराई थी, मुख्यमंत्री के आवास पे ले जाकर भाजपा ज्वाइन करवाई थी अपने हलके के अंदर, जो जिला जो इनकी चेयरपर्सन बनी थी। उसके पश्चात फिर देवेंद्र बबली जी ने खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो हमारा ये साफ साफ कहना है भाजपा और जजपा का जो ठगबंधन मुद्दों के ऊपर नहीं था, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो 3 साल जाने के बाद भी नहीं बना पाए, ये ठग बंधन था देश के प्रदेश के अंदर। ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई, ठीक है, आ गई आपकी, हाँ राकेश जी आ गई आपकी बात, फिर अगले राउंड में मैं आपके पास आऊंगी।